तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इलाहाबाद उपचुनाव का महासंग्राम लगातार जारी। गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज भी 11 गांव में पहुंचेंगे गोविंद कांडा, 11 गांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे माखोसरानी गांव में पहुंचेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात कर वोट मांगेंगे। तरकावाली गांव और जोगीवाला में भी प्रचार करेंगे। गोविंद कांडा को भारी जनसमर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और हर खबर पर बारीकी से नजर हरियाणा न्यूज की बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी से हम अपडेट कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि बढ़ते समय के साथ और घटते दिनों के साथ चुनाव प्रचार अभियान में तेजी देखने को मिल रही है और तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता के बीच पहुंचकर, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा का तूफान जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जारी है। आज भी 11 गांव में गोविंद कांडा पहुंचेंगे, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद वह मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और वोट देने की अपील करेंगे। तो 11 गांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे गोविंद कांडा और हर रोज की अगर बात करें, हर रोज इतने ही गांव को उनकी तरफ से कवर किया जा रहा है और इसके साथ साथ सिरसा विधायक और एचएलपी के सुप्रीमो और गोविंद कांडा के बड़े भाई गोपाल कांडा भी लगातार उनके पक्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। वह भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सुबह की बड़ी जानकारी इलाहाबाद ब्रेकिंग, गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है और जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से और धरातल की सच्चाई से सब कुछ साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि एक बड़ा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इस चुनावी दौरे से विपक्षी खेमों में भी हलचल मची हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल किस तरीके का राजनीतिक माहौल है और आज का स्केड्यूल क्या है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक माहौल की मैं यहाँ बात करूँ तो राजनीतिक माहौल जो है त्रिकोणीय होता जा रहा है। कहीं ना कहीं त्रिकोणीय फाइट जो है इलाहाबाद में देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और जो IRLD के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, इनमें तीनों में ही कहीं ना कहीं जो है फाइट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं तीनों नेताओं ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर रखा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो लीडर हैं, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, वो कहीं ना कहीं सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गोविंद कांडा और गोपाल कांडा, दोनों कांडा ब्रदर्स जो जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और अभी तक जो है करीब 60 से ज्यादा गांव में है वो अपने दौरे कर चुके हैं। 78 गांव का ये हल्का पड़ता है और कहीं ना कहीं एक बार, मतलब आने वाले एक से दो दिन में तमाम जो गांव हैं एक बार कवर कर लिए जाएंगे और ऐसे में आज का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं 10 बजे शुरू होने वाला है और माखोसरानी गांव से ये आज का कार्यक्रम है, जनसंपर्क अभियान है वो शुरू होगा। उसके बाद तरकावाली, शाहपुरिया, शक्करबंदौरी, रूपाना, बिश्नोई, रूपाना, जाटान, टहरवाला, जोगीवाला, रामपुर, बगड़िया, कुम्हारिया और नाथूसरी चौकटा, ये आज करीब 11 ऐसे गांव हैं जिनमें आज जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जी, और औसतन कितने गांव को रोज कवर किया जा रहा है, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए यश, करीब 10 से 15 गांव जो ऐसे हैं जिनको डेली कवर किया जाता है और जो माहौल की मैं बात करूं, पहले से माहौल जिस हिसाब से प्रशासन लगाई जा रही थी कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का जो विरोध होगा जी, कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा। बिल्कुल स्मूथनेस के साथ जो है प्रचार प्रसार बीजेपी के लीडर्स है वो कर रहे हैं। और साथ ही मैं बात करूं कांडा ब्रदर्स जो अभी तक दोनों भाई हैं उन्होंने अभी जो है कमान संभाली हुई प्रचार की। हालांकि कल दशहरा था, दशहरे के बाद जो तमाम बड़े लीडर है बीजेपी के वो भी आने की बात थी, तो आने वाले एक दो दिन में जो तमाम बीजेपी और जेजेपी के लीडर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, चाहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, चाहे और जो तमाम मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, वो तमाम मंत्री साथ देने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार और जोरों शोरों से आगे बढ़ाएंगे। जी चले रवि कालीरमन, लगातार आप इस दौरे पर और तमाम खबरों पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी यहां पर बढ़ते दिनों और घटते दिनों के साथ
ये चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं और लगातार अपने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा भी लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। आज भी 11 गांव में गोविंद कांडा पहुंचेंगे, 11 गांव में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है उनको जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दें, अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की आपको कोशिश करेंगे किस तरीके से आज का ये दौरा रहने वाला है, आज क्या स्केड्यूल है और किन किन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा रहने वाला है। देखिए, माखुर सरानी गांव समय है सुबह 10 बजे और फिर उसके बाद अगला पड़ाव समय 11 बजे है, जहां पर तरकावाली गांव है। फिर उसके बाद बात करें तरकावाली गांव की तो सुबह 11:30 बजे, फिर इसके बाद शक्कर मंदोरी दोपहर 12 बजे का समय है और इसके बाद बात करें रूपाना बिश्नोई तो समय दोपहर 12:30 बजे, वही रूपाना जटान दोपहर 1 बजे। तो गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं चाहरवाला समय 1:30 बजे, वहीं इसके बाद अगला पड़ाव जोगीवाला गांव समय 2 बजे, रामपुरा बागड़िया समय दोपहर 2:30 बजे। बात करें अगले पड़ाव की तो यहां पर कुम्हारिया गांव है और इसका समय 3 बजे का है। इसके अलावा नाथूसरी चौपटा समय दोपहर 3:30 बजे, फिर इसके बाद माखोसरानी गांव अब से कुछ देर बाद इस चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत हो जाएगी। आज का क्या स्केड्यूल है, किन किन ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है, किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, ये सब कुछ तय हो चुका है। तो गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार कार्यक्रम तय हो चुका है कि कहां कहां पर कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों को आज कवर करना है और हमारे संवाददाता भी लगातार एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और सबसे पहले हरियाणा न्यूज आपको तमाम जानकारियों से अपडेट कर रहा है। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवार भी जनसंपर्क अभियान पूरी तरह से बनाए हुए हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके पक्ष में वोट करें।